पूल में चावल नहीं खरीदने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र को किसान विरोधी करार दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि जब दो साल बोनस देने पर भी चावल खरीदा गया तो अब क्यों नहीं खरीदा जा रहा। अपने ट्विटर पर साहिल लुधियानवी के शेयर पोस्ट करने पर कहा कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन वे अभी केवल आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे किसानों को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, इसलिए केंद्रीय पूल में चावल नहीं लेने का फैसला केंद्र का गलत है। भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश भर के किसान 13 तारीख को सड़क मार्ग से रायपुर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जब पिछले चुनाव साल में आप छूट दिए थे और अब छूट नहीं देंगे, आप केंद्र सरकार के एक पैसा नहीं लगना, केवल हम हमारा चावल पहले खरीदते थे उतना चावल खरीदे। दिल्ली को 13 तारीख को 9 बजे यहां से शुरू होंगे। प्रदेश भर के किसान जो चिट्ठी लिखे हैं प्रधानमंत्री को, उस चिट्ठी को संग्रह किया जाएगा और उसके बाद 13 तारीख सुबह 9 बजे यहां रायपुर से प्रस्थान करेंगे।